नकोदर दे नाल लगदे पिंड गांदरा दे रहण वाले मनजीत सिंह ने अपनी विदेश रहिंदी पत्नी उत्ते गंभीर आरोप लगाए हन। मीडिया नाल गलबात करदे उसने दस्या कि उसकी पत्नी सुखविंदर कौर ने उस तो तलाक लए बिना ही यूके विच अपना दूसरा विआह करवा लिया सी। उन्होंने दस्या कि उसने अपनी पत्नी सुखविंदर कौर नूं आयल्स करवा के स्टडी बेस उत्ते अपने खर्चे ते यूके भेजा सी अते उस वेले ओ गर्भवती सी। हुण उसने दूजा विआह करवा लिया है अते उसदे बच्चे दा वी जबरी धर्म बदलना चाहुंदी है। इस संबंध विच पीड़ित वल्लों एससी कमीशन नूं शिकायत दित्ती गई है। कमीशन दे मैंबरां दा कहना है मामले दी जांच पड़ताल कीती जावे अते जो भी दोषी पाया गया उस खिलाफ सख्त एक्शन लिया जावे। हुण देखना होवेगा कि कमीशन वल्लों पीड़ित नूं किस तरह दा इंसाफ दवाया जांदा है क्योंकि मामला कौम दी बजाय कौमांतरी है। सर मामला मेरी मैरिज है जी, जो कि अपनी जिहड़ी पत्नी सर मेरा विआह होया सीगा 27/6/2010 नूं जी। मैं सारा खर्चा करके अपनी वाइफ को बाहर भेजा सीगा जी आइलैट्स करा के। वो बाहर यूके गए हुए है जी, हम बाहर यूके गया नूं मेरा 10-9-10 साल हो गया जी गया नूं। लेकिन सर मेरा जो तो बच्चा मेरा बाहर पैदा होया जो वाइफ भी गया है ऑलरेडी प्रेगनेंट सी 7 मंथ जी, वो बाहर चल गया है जी। लेकिन उस तो बाद सर मेरा थोड़ा रिश्ता खराब होना शुरू हो गया सीगा जी। लेकिन सर मैं फिर अपने रिश्ते खिंची गया जी, कोई गल नहीं जी, मैं रिश्ता खराब नहीं करना चाहता अपना। फिर मेरा बच्चा हैगा और मेरी वाइफ हैगी है, अभी इससे पैसा बहुत ला चुके थे इस बार पक्के कराने वास्ते जी। कितना पैसा लगा जी तुहाडा? सर मेरा 20-22 लाख खर्चा हो चुका है जी। अच्छा। प्लस सर मेरे कुछ गहने से अपने घर जी, सोना से जी मेरा, वो जो वाइफ से आए थे ये 6 एकड़ जी आ चुके हैं जी, धक्के से जी वास्ते लग आए थे, पैसा लगा लै गए है जी, मेरा गहने कट लै गए जी। सर स्टडी बेस बाहर गए भेजे थे आइलैट्स करा के जी। सर आइलैट्स मैं खुद कराई थी, बी ए मैं खुद कराई है जी। लेकिन सर मैं फिर भी अपने रिश्ते बचाने वास्ते काफ़ी टाइम सब कुछ ज्यादा रहा जी, एयर मिसबिहेव मूव कर रही मैं ना, लेकिन एक मिसबिहेव मैं ज्यादा रहा। रिलेशन सर प्रॉब्लम यही आई है जी, मेरे वे पास टीचर है जी, मेरे भाभी टीचर है, उन्होंने कोठी पाई सर उन्होंने, डैडी मेरे सर 20 महीने काम करते थे, रिटायरमेंट हुए थे, उन्होंने को कुछ पैसा सेगा। लेकिन सर पैसा सारा कुछ इन्होंने उपर लाया भी मेरे वाइफ उपर, मेरे बदल में एक पैसा नहीं दिता जी उन्होंने, उन्होंने अपने लोन चाह के कोठी पाई हुई जी। लेकिन सर जो मेरे सहुरे परिवार है वो इन्हों ही कह रहे थे तेरे सर चक्के पैसे वे भरा देते है तो वैसे कुछ नहीं लाया है तो ना तेरा कुछ बन है सर, रिलेशन खराब करते रहे। लेकिन सर हूँ कुछ लगा पता पिछले महीने सर 3/7/21 जी सर मेरा कोई चलता पाया अपने नकुर मानजोग अदालत नकुदर लुधियाने जी, जिस मैं तरीका भोग रहा। लेकिन सर लड़की ने बिना डिवोर्स किए मेरा जी, वो मैरिज करा ली है जी 3/7/2021 जी, किसी अली नमक मैं तो सर प्रूफ है जी। कंप्लेट की कोई जी? सर मैं कंप्लीट की अपने डीसी साहब जी, NS Mal साहब उन्होंने को जी, असं उन्होंने को 2 बार जा चुके हैं जी। लेकिन दूजी पार्टी जी मेरे सहुरा परिवार के टाइम लैके वापस चल जाते हैं जी। हूँ सर साड़ी कल की तरीक फेज है जी 6/10। हूँ तुम्हें की मांग कर रहे? सर मंग मैं यह कहना मैं अपनी पत्नी बच्चे वसाना चाहना दोबारा जी, मैं उन्होंने चाहना मेरे को वापस आने जी, इतने रह के मैं तो इंडिया रहन आ गए जी। वाइफ जी है इतने वापस आई थोड़े को? मैं तो सर वापस आई इसे 2 दिन वास्ते जी। लेकिन सर वो 2 दिन इतने रहे हैं, कोई मैं चंगी गलबात नहीं की, लड़ाई कर रहे जी। देखो जी मैं बतौर कमीशन के मैंबर मैनू कल मनजीत सिंह जिहड़ा पीड़ित आ वो एप्लीकेशन लैके मिलिया, तो उन्हें अपनी सारी दुख भरी जिहड़ी आ दर्द भरी कहानी सारी मेरे सामने रखी, तो मेरे मन में भी काफ़ी ठेस पहुँची। मनजीत सिंह के दसण मुताबक उसकी पत्नी सुखविंदर कौर जिदे नाल अज तो 10 साल पहले इन्हां दी मैरिज हुई, तो 7 महीने की प्रैगनेंट होने तो बाद परिवार ने यह सोच के उन्हों इंग्लैंड भेजा कि साडा जिहड़ा इहदे पेटों बच्चा आना आ वह उत्थों का सिटीजन बनेगा, तो साढ़े परिवार को उत्थे जाण दा उहदे कारण करके मौका सुखाला मिल जाएगा। इस आस नाल इन्हां जिहड़ी अपनी पूंजीपति इकट्ठी की इन्हां दे बाप ने ते मनजीत सिंह उन्हां दे समुचे परिवार ने वो सारी दी सारी उहदे ते ला के उन्हों इंग्लैंड भेजा, उत्थे जा के वह पेटों जिहड़ा बच्चा पैदा होया ते बीबी राणी जिहड़ी इहदी धर्मपत्नी सुखविंदर कौर उर्फ सुखी आ उहने अपने धर्म नूं परिवर्तन करदिआं मुसलमान भाईचारे दे संबंधित व्यक्ति नाल मैरिज करवा ली जिहड़ी कि गैर कानूनी आ। जदों कि मनजीत सिंह नाल ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ DSP ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹਦਾ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 16
अगस्त नूं कमिशन ने मंग ली आ। वो डिप्टी साहब आप कमिशन के दफ्तर चंडीगढ़ विखे खुद पेश हो के देंगे। इन्हां दी रिपोर्ट तो बाद कमिशन जिहड़ा वो लैटर विदेश मंत्रालय ने लिखेगा कि उस बीबी सुखविंदर कौर जिन्हें धोखाधड़ी की इस परिवार नाल उन्हें रिपोर्ट करने लिए लिखा जाएगा। सकोर तो बाद ही जिहड़े इदां दे मामले चके जा रहे, पहला क्यों नहीं चके गए सीगे? देखो जी, कमिशन दे ध्यान च पहला मामला आ, तो जिथे कि कोई नज़र आई इहो जी गल तो कमिशन उस वेले हरकत च आएगा। जरूर उन्होंने पीड़ित परिवार को इंसाफ देगा, बेशक उत्थे लड़की है चाहे लड़का है। तो पहला की कारण सीगा कि कमिशन को कोई आंदा ही नहीं सी, जां हुण आना शुरू होया बेअंत कौर दे बाद ही आए आ? देखो मेरे को जिहड़ा इह फस्ट केस जिहड़ा मनजीत सिंह दा आया, इह पहला केस आ। तो कमिशन ने तुरंत हरकत च आउंदिया जिहड़ी तुरंत अज कार्रवाई करके इहदे परिवार नूं मिले, पिंड दे लोकां नूं सरपंच सुच्चा सिंह नूं मिले, इहनां सारिआं तों कहानी सुणी आ। तो मन नूं काफ़ी ठेस पहुँची आ कि गरीब परिवार आ, लड़के का पिता जो लाइनमैन है बड़ा, दो तीन बार बिजली के झटके भी लगे परिवार के दसन मुताबक, तो कुदरती उन्हें बचा गई आ। तो रही कसर बीबी राणी ने कढ़ दी है जी, उन्होंने आसां ते पानी फेरिया और बीबी नूं डिपोर्ट करा के कटहरे च खड़ा करूगा कमिशन। सर बेंत मामले तो बाद कुड़ियों गलत नहीं कहना, क्यों देखा जा रहा है हरेक कुड़ी गलत ही है? सारिया कुड़ियां नहीं गलत हो सकदियां जी, चांद एक कुड़ियां जिहड़ियां गलत आ, बहुत सारे लड़के भी गलत कर जाते, जिहड़ा भी दोषी हैगा उहदे विरुद्ध कार्रवाई होएगी। जिहड़े लड़कियां ने गलत कीता उन्हां तां अज तक कोई एक्शन नहीं आया, क्योंकि बहुत कुड़ियां पहली बार बीबी बेंत कौर जिहड़ी आ जिहने परिवार नूं जिहड़ा उस परिवार का घर जिहड़ा चिराग सी उन्हें बजाउणा, उसकी गंदी सोच कारण करके उन्होंने जो डिपोर्ट होने का जो सामना करना पै रहा है। सर की डिपोर्ट जी होएगी, दिन लग जाते कोई जड़िया कानूनी अड़चण कि ना कि कोई आ जाती जो एजेंट केस होता। बिंद कौर की गल करते उन्होंने रिपोर्ट हो जूगी सर, जो मुंडिया ने कुड़िया का गलत किया रिपोर्ट कदों तक हो सकती है? जिमें जिमें संबंधित कोई वूमैन कमिशन का केस या कोई ऐसी की भाईचारे न संबंधित या कोई होर किसी ने जिमें जिमें भी भाएं पुलिस प्रशासन ने सीधी किने पहुँच की आ, वो जिमें जिमें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है जी, वो बारे सारे ही जरा कार्रवाई मुकम्मल। सर तौर सैल के जी वुमेन कमिशन की गल करिए, मनीषा गुलाटी जी है जो हाईलाइट केस जो है वो चक देने, जो बाकी केसों थोड़े दबा देंगे की गल हूँ कमिशन सिर्फ अपनी पब्लिसिटी लैन वास्ते गया रहे ना, 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 कुछ केस अजे होंगे जो पैरवाई करके उन्होंने तुरंत कार्रवाई करा लेंगे, कुछ जे पीड़ित लोग भी होंगे कई बार घरेलू मजबूरियां कर करके भाएँ वो वूमैन कमिशन चाहे एस सी कमिशन है चाहे मनुखी अधिकार कमिशन है, समय सिर पहुँच नहीं कर पाते जिस कारण करके कुटे लोग। देखो जी जिहड़ियां भी धाराएं बनदियां दी पड़ताल कर रहे डिप्टी साहब दोनों धारा के बयान लैके, जो भी जिहड़ा जिहड़ा भी विच दोषी पाया भाएं वह लड़की के बाप आ चाहे वह भरा चाहे भरजाइयां आ, उन्होंने सारे के बनदियां धाराएं जिन्ना जिवें जिन्ना रोल आ उसके मुताबिक उन्होंने कानून के कटहरे खड़ा कर रहेगा कमिशन। जिहड़े लोग इस जिदा कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वगैरह करवाउंदे ने उन्होंने की कहना चाहते भी इदा के लोगों को किवें उन्होंने बचाया जा सके, कुड़ियां जां मुंडे कुछ भी? देखो जी स्पष्टली तौर पर कुछ नहीं कह सकता ना, कोई हर व्यक्ति जोशी हुंदा चाहे वह लड़की वाला परिवार हो चाहे लड़के वाला, ये तो मिल वरतन तो बाद पता नहीं कदों हुण ये बीबी जिहड़ी इहदी विआह शादी होई नूं 10 साल होए आ, तो 10 सालों चो मेरा ख्याल 7 साल परिवार को हो गया इस आसना भी अज लै जू कल लै जू या कल बुला लूगी, खीर आ गए तो मन च कोई यही गल आ गई है तो की मतलब किमें कोई थर्मामीटर तो है नहीं किसी परिवार को भी चाहे कि कमिशन तो भी, ये तो जो कोई मन दिमाग कोई बदलता कहता कोई पता लगता जी कोई गल तो, तो जो कोई क्राइम करता फिर वो सज़ा ज कुदरती है भी उन्होंने कानून के शिकंजे का जरा कटहरे च आना पैंता जी। सर अज तक मैट्रीमोनियल केसिस के लोग डिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि मेरे निगाह में मैंने लगता नहीं सिर्फ एक अद्धा केस कोई होता, लोगों का रुझान जोड़े जागरूक हो चुके हैं वेर हो चुके हैं लोग, आ जरा बेंत कौर तो बाद दूजा केस ये होएगा बीबी सुखविंदर कौर सुखी वाला जी लुधियाने बिलोंग करती है, तो उवें उवें लोग वेयर होणगे जिथे जिथे कि ना जाति हुई उन्होंने कमिशन तक जां वूमैन कमिशन तक चाहे सीधी पुलिस ना पहुँच करके परचा दर्ज करा के संबंधित महक विदेश मंत्रालय लुका के उन्होंने रिपोर्ट का जिहड़ा वो जरिया बनेगा जी। एक सर थोड़े को जिहड़े होर केस जिहड़े हैगे उह थोड़े अप्रोच किवें थोड़े तक किवें करनगे थोड़े तक किवें लोग पहुँचणगे, किन्ने क केस तुहाडे कोल हैगे इस वेले तक? अपने रिपोर्ट ना संबंध तो मेरे को पहला काम है जी, पहला केस पहुंचा है। देखो जी जिवें तुसीं हुण टीवी चैनलों के अज सवेरे स्क्रीन पर आना या कुछ अखबारों भी आना जिवें जिवें किसी ने पढ़िया अखबार च पढ़िया जिथे जिथे कोई पीड़ित हैगा वो पहुँच करता जी, वो कमिशन के साडे मैंबर जिथे जिथे भी है जां साडा हैड ऑफिस है चंडीगढ़ उत्थे पहुँच करते, चाहे जिथे कमिशन के मैंबर साहबान उन्हां दी रेजिडेंस है उत्थे जाके पहुँच करके अपनी वो जिहड़ी आ दुख भरी कहानी उन्हां दे सामने लिआउंदे ते कमिशन जो फर्ज बनता वो अदा करता है। तो सर लोगों को इंसाफ मिलेगा? मिलेगा जी, तुहाडे सामने हुणे हदायत कर दित्ती डिप्टी साहब नूं कल तक परचा दर्ज करके मैनूं जिहड़ी उहदी रिपोर्ट कर,
तो 16 तरीक न मुकम्मल रिपोर्ट मंग ली उन्होंने को भी दोषियों भी कटहरे से खड़ा करके कमिश्न के हैड ऑफिस जी रिपोर्ट जी डिप्टी साहब के SHO लैके पेश हो सर। इस संबंध में लड़की के परिवार ने भी मेल किया गया वा जी? लड़की का परिवार हूँ आपे उन्होंने डिप्टी साहब को इनकुआरी है, डिप्टी साहब को उन्होंने बयान देना, अपना पक्ष उन्होंने रखना डिप्टी साहब को जी। कमिश्न का काम आ संबंधित ऑफिसर जिहड़ा डिवीजन पद्धर का उहदी दी ड्यूटी लगाती SHP साहब नूं मार की आ थ्रू SHP की रिपोर्ट लैके आउणगे ते कार्रवाई मुकम्मल जी उहदी डिप्टी जिहड़ा वह अपने पद्धर से कार्रवाई करेगा दोनों पक्ष परिवारों के पक्ष सुन के जिहड़ा भी दोषी पाया गया उहदे विरुद्ध कार्रवाई होगी। पंजाब लई नकोदर तों पनीत अरोड़ा दी खास रिपोर्ट। हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।